हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आयशा कत्याल वेलकम यू ऑल टू टुडेस टॉक। तो अब बातचीत करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स अ ब्यूटीफुल सोल, मिस अंजलि अरोड़ा। हेलो मैम, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, आपकी जर्नी कैसी रही है? हमें पता है कि आपने इतने सारे शोज करे हैं एंड आप एक एक्ट्रेस हैं। आई एम श्योर दैट इट मस्ट हैव बीन इंटरेस्टिंग। तो अप्स एंड डाउन्स क्या रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर रहा है, थोड़ा सा अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए हमारे बडिंग एक्टर्स के लिए सो दैट दे गेट इंस्पायर्ड। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे एक्टिंग का एक तरह से ये गॉड गिफ्ट था। वैसे मैं कथक डांस करती थी। आई वॉज डिक्लेयर बेस्ट डांसर माई स्कूल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया। आई गॉट मैनी प्राइजेस। एक पैर पे 27 चक्कर लगाती थी। उसके बाद कुदरती एक फंक्शन में मुझे ऑफर हुआ जिसमें मैं दूरदर्शन का सीरियल किया आज से 25 साल पहले। उसके बाद एक के बाद एक सीरियल्स मैंने किए। लेकिन मुझे कभी भी एक गॉड गिफ्ट कह लो या कुछ भी, मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा कि अगर काम नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊँ या डिप्रेशन में चले जाऊँ या फ्रस्ट्रेशन आ जाए। तो आप अगर संभल के काम करते रहेंगे, उसको हॉबी लेंगे और उसको इंजॉय करेंगे तो आप सक्सेस भी पाएंगे और आपको कभी भी काम नहीं मिले तो आपको कभी भी परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि ये तो फिल्म नाइन है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारे रोल आपके लिए बचे हैं, है ना, सारे रोल आपके लिए बने हैं। आपको एक रोल मिला है सबसे बढ़िया, तो ये मैं यही आपको एडवाइस करना चाहूँगी, जो रोल आपको मिला है अपनी लाइफ का मेन रोल जिसके आप खुद हीरो हैं, उसको अच्छे से प्ले करिए। उसके बाद जो आपको रोल मिलते जाएंगे वो तो आप अच्छे से प्ले कर ही लेंगे फिर। डेफिनेटली। सो गाइज, वी हैव बीन एडवाइजिंग यू दैट यू शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड दैट इज वॉट अ ट्रू आर्टिस्ट हैज। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट आपका जो पैशन है वो पॉइजन नहीं बनना चाहिए। इट शुडंट बी एन एडिक्शन टू यू। सो वो चीज़ प्लीज़ चैनलाइज करके चलिए और सब लोग आपको यही समझाते हैं, वरना लाइफ हेवॉइक हो जाए। हमने देखा है कि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना टॉक्सिटी है आई वुड से इन द एनवायरमेंट, एंड पीपल आर यू नो नॉट वेल, दे आर अनवेल, सोल्स आर अनवेल। तो अभी आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, वॉट इज़ योर टेक दैट हाउ कैन वी चैनलाइज आर एनर्जीज एंड वॉट शुड बी द वे? एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि एक्चुअली सुबह सुबह आजकल जो है मोबाइल जो है वो एडिक्शन हो गया है। सुबह सुबह लोग उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, कितने व्हाट्सअप पे मैसेजेस हैं, कितने मिस कॉल्स हैं, या नेट पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड सुप्रीम पावर। जिसकी वजह से क्या है, जो स्ट्रेस तो नॉर्मल लाइफ में क्या अभी कलयुग है जो भी क्योंकि एक ना कम्युनिकेशन गैप पड़ गया। जैसे पहले परिवार सारा साथ में बैठता था, बड़ों की एडवाइस मिलती थी, लेकिन अभी क्या है, अपने अपने सर्कल में सब लोग बैठते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे रहते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, विच इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, दैट इज़ मेडिटेशन। इट इज़ मेरे हिसाब से कोई मतलब रिलीजन, देखिए रिलीजन हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी को मानता है, तो इट्स ऑल सेम, सबका एक ही मानना है कि आपको क्या चाहिए, बेसिकली शांति चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप किस लिए जाते हैं कि यार वहाँ पे बड़ी शांति मिलती है जाके। तो आप वो शांति आपको घर में भी मिल सकती है, आपको काम करते हुए भी मिल सकती है, आपको पढ़ते हुए भी मिल सकती है, आपको कुछ भी काम करते हुए, खाना बना रहे हैं, घर का कुछ काम कर रहे हैं, आप जो भी प्रोफेशन में हैं या पढ़ रहे हैं, तो भी आपको वो शांति मिल सकती है अगर आप मेडिटेशन सीख लें और आपका कनेक्शन डायरेक्ट सुप्रीम पावर से जुड़ जाए, आप स्ट्रेस ही नहीं रहेगा कुछ भी। सो गाइस, A peaceful soul generates power. Ma'am, thanks for inspiring us and coming to the Marwa Studios today. Ab at the end, मैं चाहूँगी एक message आपकी तरफ से आज की युवा पीढ़ी के लिए कि उनको किस तरीके से अपनी life को lead करना चाहिए. And being an artist, it's like as we discussed that it is very difficult to channelize our energy. अगर आप हर स्थिति में रहना, खुश रहना आपने सीख लिया तो हर काम आसान हो जाएगा. तो basically ये है कि हमें हर तरह से अपने आप को stable करना है. That is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए परेशानियां तो लाइफ में है, एक आपने मानव शरीर पाया है तो वो परेशानियां तो आएंगी ही, वो किसी भी तरह की हो, वो उसको आप कहीं परीक्षाएं का रूप दे लो या परेशानियों का दे लो या कुछ भी, बट अगर आपकी स्थिति स्टेबल है तो आप उनसे आराम से निकल सकते हैं, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस एंड कमिंग टू मारवा स्टूडियोज टुडे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन टुडेज टॉक। आयशा कत्याल साइन ऑफ फॉर द डे, बट आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग इवेंट फॉर यू। टिल देन यू कीप वॉचिंग MSTV हर पल आपके साथ एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिविटी ऑल अराउंड।